हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है कि टेंसों पर एक प्लेलिस्ट जारी की जा रही है, जिसमें आपको 3 या 4 दिन में एक एक वीडियो प्राप्त हो रही है, और हर एक प्रकार पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, कुछ छूटे नहीं। तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना लिए हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी, क्योंकि अपन को हर टेंस में ये चीज़ें काम में आने वाली हैं, इसलिए मैं इनको मिटाता नहीं हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत न पड़े। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसके जो पहचान के शब्द हैं, यानी कोई वाक्य है और किसी वाक्य के अंत में यदि आप ये शब्द देखते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द यदि आप किसी वाक्य के अंत में देखते हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब कुछ इसके बारे में और जान लो कि ये टेंस है ना, क्या बताता है ये टेंस? बताता है कि वर्तमान काल में जो कार्य है, यानी वर्तमान काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, यानी वर्तमान काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा चुका हूं, लास्ट में हूँ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाक्य प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है? चुका है, यानी मैंने बोला कि मैं पढ़ा चुका हूँ, अंत में आ गया चुका हूँ, तो ये वर्तमान काल में कार्य का समाप्त होना बताया जा रहा है कि मैं अभी अभी ही कार्य पढ़ा चुका हूँ, यानी मैंने अभी अभी ही पढ़ाया है। अब एक बात और ध्यान होनी चाहिए आपको इसमें, कि इसमें बात निश्चित हो गई कि कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा वर्तमान काल में, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि समय के बारे में नहीं बताया गया है, यानी आपको समय के बारे में नहीं बताया गया है कि कार्य कितने समय में, कितने देर पहले कार्य समाप्त हुआ है। यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसा कोई सा भी वाक्य नहीं देखने को मिलेगा जहां पर आपको समय बताया गया हो कि 5 मिनट पहले ही कार्य समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं बताया जाएगा। यदि आपको ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें समय बता रखा है कि 5 मिनट पहले ही मैं काम कर चुका हूं, तो 5 मिनट पहले यदि ऐसा वाक्य मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो कि फिर हम अपन बात करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मानो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी समय नहीं बताया जाएगा कि कितनी देर पहले कार्य समाप्त हुआ है, उस कार्य के बारे में नहीं बताया जाएगा कि कार्य कितनी देर पहले समाप्त हुआ है, बस आपको ये बताया जाएगा कि कार्य समाप्त हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस वाक्य में ये ऐसे पता चल रहा है कि सर ने पढ़ा दिया है बस, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कितने समय पहले पढ़ाया है सर ने, ठीक है? तो कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। हर बार की तरह हर टेंस में 3 प्रकार के टेंस चलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो पहला जो प्रकार है वो जानेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस में किस प्रकार बनेंगे, ठीक है? एफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो हिंदी होती है आप सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हो, सकारात्मक वाक्य, या आप बोल सकते हो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है? दोनों आप बोल सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा होता है। तो इसमें कौन सा रूल काम करेगा वो मैं बताना चाहूँगा, रूल आपका एक ही रूल काम करेगा इसमें, ठीक है? रूल ध्यान से देख लेना, क्योंकि पूरा जो
टेंस होता है वो रूल पर ही आधारित होता है। तो सबसे पहले हर वाक्य में सबसे पहले क्या आती है, सब्जेक्ट आती है, यानी सब्जेक्ट का मतलब बोले तो कर्ता, यानी सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ठीक है। कर्ता आएगा, एक वचन का भी आ सकता है, बहुवचन का भी आ सकता है। इसके बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी साइक्रिया आएगी, और इस टेंस की साइक्रिया क्या है, हैज या हैव, हैज या हैव, यानी हैज जो है ना वो एक वचन के लिए आएगा, ठीक है। यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो हैज का प्रयोग होगा, और यदि आपका कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। अब बात यह आ रही है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यानी आपकी इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी सारी की सारी इस प्रकार की फॉर्में लगेंगी, वो क्रिया के हिसाब से लग जाएंगी, ठीक है। और यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, अन्यथा आप अंत में है ना जो फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा दो और अंत में फुल स्टॉप तो आपका लगाना ही है, बार बार बताता हूँ मैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले किसी भी वाक्य को चलाने के लिए कर्ता की जरूरत होती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, ऑब्जेक्ट है तो लगाओ नहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल्स, ठीक है। पहला वाक्य अपन ले लेते हैं, वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं। कोई भी वाक्य आता है, वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं, यानी आपके सामने कोई सा भी वाक्य यदि दे रखा है तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो वाक्य किस टेंस का, किस प्रकार का है, यानी अंत में है आ गया तो निश्चित ही है कि भाई प्रेजेंट टेंस है। अब उसमें भी प्रकार आप देखो कि कौन सा प्रकार है। तो अंत में मैंने बताया है कि यदि आपके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इस वाक्य में भी आपको पता लग रहा होगा कि कार्य का समाप्त होना बताया जा रहा है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि उसमें समय नहीं दे रखा होगा कि कितनी समय पहले आपका कार्य समाप्त हुआ है। इसमें मिनट दे रखे हैं, इसमें आपको घंटे दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें कर्ता कौन सा है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक शब्द है कौन, इससे आप कर्ता पता कर सकते हो कि सबसे पहले क्रिया से क्वेश्चन करो कौन, यानी क्रिया कौन सी इसमें पढ़, यानी इस कहानी को कौन पढ़ चुका है, इस कहानी को कौन पढ़ चुका है, वे पढ़ चुके हैं, तो कर्ता तो भाई ये हो जाएगा, कर्ता वे कर्ता है, और सबसे पहले कर्ता पूछ रहा है कि हमने सौ कर्ता वे हैं और वे है ना जो वो वचन में आता है, वे मैंने बताया वे, ये देखो दे यानी वे होता है, यानी बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पर अपन सब्जेक्ट लगाएंगे दे का मतलब वे होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का काम हमने पूरा कर लिया। अब डिमांड ये आ रही है कि इनमें से हैज लगाएं या हैव लगाएं। मैंने पहले बता दिया है यदि कर्ता एक वचन का होगा तो हैज लगेगा, कर्ता यदि बहुवचन का है तो हैव लगेगा। तो इसमें आप देखो कि कर्ता है ना जो अपन का बहुवचन का है तो अपन कौन सा लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हैव, ठीक है, हैव लगा दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और वर्ब कौन सी है,
पड, ठीक है। तो इस प्रकार हैव हमने लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म कौन सी है, वो क्रिया कौन सी है वाक्य के अंत में दी होगी, ठीक है। पढ़ यानी पढ़ना, क्रिया हमारे सामने है पढ़ना, और पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड रीड रीड, ठीक है, रीड है। तो इनकी जो तीनों फॉर्म है ना वो रीड ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा चौथा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि रीड, यानी फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर भी रीड आएगा, रीड, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि रीड ही आएगा, ठीक है। तो पढ़ना रीड, रीड की थर्ड फॉर्म कौन सी है, रीड ही है। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे रीड, थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। इस शब्द किसको इंगित करता है, यह है, यानी दिस, इसका मतलब क्या होता है, दिस दिस कहानी, कहानी का मतलब स्टोरी स्टोरी, और अंत में आप फुल स्टॉप लगा दो, यानी दे हैव रीड दिस स्टोरी, यानी वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं, ये वाक्य अपन का मन गया, ठीक है। अब दूसरा वाक्य और बना लेते हैं। दूसरा वाक्य अपन के सामने है कि तुम भोजन पका चुके हो, ठीक है। अंत में वाक्य के अंत में चुके हो यह आ गया, तो अपन मानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई, ठीक है। तो इसमें कर्ता तुम है, और सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, तो तुम देखो कि बहुवचन है या एकवचन है, तो तुम तो भाई बहुवचन है, प्लूरल यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपन सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर यू, ठीक है। यदि सब्जेक्ट है ना जो बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन ही आएगी, तो हैव लगेगा यहाँ पर, ये हमने हैव लगा दिया, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म बूझ रहा है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म यानी पहले वर्ब पता करो कि कौन सी है, तो वर्ब तो पकाना है, और पकाना का मतलब पकाना, यहाँ पर स्पेलिंग होगी कुक, कुक यानी पकाना, और ये थर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो अपन ये कर देंगे, यानी कुकड कुकेड, ठीक है। इसके बाद में ये बचा अपन के पास में भोजन यानी फूड, फूड यानी क्या होता है, भोजन होता है, और अंत में अपन के पास में पुलिस स्टॉप लगा देंगे, तो वाक्य बन गया यू हैव कुकड फूड, यानी तुम भोजन पका चुके हो। लेकिन इसमें समय नहीं दे रखा है कि कितने समय पहले कार्य समाप्त हुआ है, बस ये दे रखा है कि कार्य समाप्त हो चुका है। तो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया, ये है ना जो ये ध्यान रखो स्ट्रक्चर, ठीक है, चीज़ें है ना जो सब्जेक्ट, ये चीज़ें फॉर्मेट है ना, एक तरीके से ही काम करता है कि पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अपन जानेंगे, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। अब अपन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो दूसरा प्रकार अपन देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का भाव आए, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इस प्रकार का जो फॉर्मूला है यानी रूल, इसका भी एक ही रूल काम करेगा। सबसे पहले है ना जो सब्जेक्ट आएगी, हर वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है,
हैज या हैव, यानी एक वचन का कर्ता है तो अपन लगाएंगे हैज, बहुवचन का है तो हैव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नोट का प्रयोग, यानी नोट का प्रयोग मत करना भूलना। इसके बाद में वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो आप अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इस प्रकार पिछले वाले वाक्य जो साधारण वाक्य था उसमें इसमें क्या अंतर, सिर्फ नोट का अंतर है। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया है, पिछले साधारण वाक्य में ये नोट नहीं था, सैम के सैम फॉर्मूला वो का वो था। नेगेटिव वाक्य में एक चीज और ध्यान रखना कि नेगेटिव वाक्य में कार्य का समाप्त होना नहीं पाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें कार्य का जो मैं बता रहा हूँ समाप्त होना, यानी कार्य का समाप्त होना नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और बाकी वाक्य में जैसे चाहे इस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव वाक्य हो उसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, लेकिन नेगेटिव वाक्य आप देखोगे तो उसमें समाप्त होना नहीं पाया जाता है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता चल जाएगा वाक्य को पढ़कर ही कि इसमें कार्य समाप्त ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लिखता हूँ वाक्य, वह खाना नहीं खा चुका है, चुका है, ठीक है। यानी वह खाना नहीं खा चुका है, इसका मतलब आप देख रहे हो कि उसने है ना जो खाना नहीं खाया है, यानी कार्य है ना जो समाप्त नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना कि जो नेगेटिव वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उनमें कार्य का समाप्त होना नहीं पाया जाता है। जैसे मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ, तो क्या यानी मैं पढ़ा नहीं चुका, यानी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया है, तो इसका मतलब मैं कार्य समाप्त नहीं हुआ है नेगेटिव वाक्य में। तो सबसे पहले वह क्या है, सब्जेक्ट अपन को लिखनी है, वह है ना जो पुल्लिंग है यानी एक वचन है, और ये पता करो कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो करता है ना जो वाक्य को पढ़कर पता चलेगा कि वह खाना नहीं खा चुका है, यानी कोई लड़का है यानी पुल्लिंग है, तो अपन ही लगा देंगे, यहाँ पर अपन ही लगाएंगे, ही अपन ने लगा दिया। इसके बाद में हैज लगाएं या हैव लगाएं, क्योंकि करता एक वचन का है तो अपन के हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की आएगी, तो हैज, हमने हैज लगा दिया। इसके बाद में नोट का प्रयोग, नोट। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्रिया इसमें क्या है, खाना खा चुका है, यानी खाना खाना खाना, ठीक है। तो इसकी तीन फॉर्में चलती हैं, एक तो इट यानी इट यानी खाना, इसकी पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म एट, तीसरी फॉर्म इसकी क्या है, इटन, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म चलती हैं, इट एट इटन। तो थर्ड फॉर्म अपन लगाएंगे तो इटन यहां पर लगा देंगे, इटन, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी इसमें बच गया फूड यानी भोजन, तो यहाँ पर फूड लगा देंगे, फूड। और अंत में अपन फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग लगा दिया, नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और अंत में जो बचा वो लगा दिया। तो ही हैज नॉट ईटिंग फूड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है, ठीक। याद रखना कि इट जो खाना है उसकी तीन फॉर्में चलती हैं, इट एट इटन, ठीक है। तो वाक्य अपन का समाप्त हो गया। इस प्रकार के वाक्य आप देखोगे नेगेटिव वाक्य में, इतना ध्यान रखो कि इसमें कार्य समाप्त नहीं होना पाया जाता है, समाप्त नहीं होगा कार्य, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले चलेंगे आपके। तो अब अपन
इंट्रोगेटिव वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं, और आप एक्सरसाइज करते रहो टेंसों की, तभी आपको ये चीज़ें आएंगी। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है? तो आप एक्सरसाइज करते रहो। तीसरा प्रकार इसी में, हर टेंस का प्रकार, यानी तीन प्रकार के वाक्य चलते हैं, लास्ट प्रकार है इसमें इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है? इसमें दो प्रकार के वाक्य चलते हैं। वाक्य के शुरू में जो यदि क्या आए, तो एक एक तो यदि शुरू में क्या आए, यानी पहला प्रकार तो इसमें हो जाएगा कि शुरू में क्या आए, शुरू में क्या शब्द आए, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट अपनाएं। एक तो ये, यानी क्या वह पढ़ा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, इस प्रकार के आएंगे, तो उनके लिए कौन सा फॉर्मेट चलता है, कौन सा रूल चलता है, वो रूल लिखूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें है ना जो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की कौन सी है, हैज और हैव है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी आपको, हैज या हैव, ठीक है? ये लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी, इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, और इसके बाद में आपको जो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, यदि आप पीछे नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य आधा गलत माना जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण इसमें, क्या तुम आम खा चुके हो, ठीक है? सबसे पहले यानी दो प्रकार के वाक्य मैंने बताए, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य में दो प्रकार के वाक्य हैं। जो वाक्य शुरू में, यानी जिस वाक्य के शुरू में क्या आए, तो अपन ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे। तो सबसे पहले अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है इस प्रकार के वाक्य में, और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब अपन लगाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, यानी तुम है ना जो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन हैव लगाएंगे, यानी यहाँ पर मैंने हैव लगा दिया है, ठीक है? हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब का काम पूरा कर लिया मैंने। अब इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट तुम है तो यू, यू हैव यू, ठीक है? यहां पर है ना जो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है? यू, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है इसमें, खाना, यानी खाना इसमें क्रिया है। तो मैंने अभी अभी आपको तीन फॉर्में बताई थी कि इट, एट, इटन, यानी फर्स्ट फॉर्म इसकी, थर्ड दो टू फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है? खाना, तो थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी इटन। तो यहाँ पर अपन इटन लगा देंगे, इटन, ठीक है? थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। अब सब कुछ क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, आम, ठीक है? आम, आम की स्पेलिंग क्या होती है, मैंगो, यानी मैंगो। और अंत में अपन को
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है तो ये लगा दिया हमने, यानी हैव यू ईटन मैंगो, क्या तुम आम खा चुके हो, क्या यानी हैव यू ईटन मैंगो, क्या तुम आम खा चुके हो, इस प्रकार फॉर्मूला काम करेगा। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली, अंत में जो बाकी बचा यानी आम बचा तो आम हमने लगा दिया मैंगो। तो इस प्रकार अपन को सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस और देखेंगे इसमें, यानी क्या वह खाना पका चुकी है तो इस वाक्य में भी आप देखोगे कि क्या पहले आ गया, तो ये फॉर्मेट काम करेगा। सबसे पहले अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सबसे पहले कर्ता पता करो कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन है और एक वचन के साथ हैज आता है, तो यहाँ पर अपन हैज लगा देंगे, हैज, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वह है और वह पता करो कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वाक्य को पता करके पता चल जाएगा। क्या वह खाना पका चुकी है, चुकी है इसका मतलब है लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो अपन सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सी लगा देंगे, सी, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब इसमें क्या है, पकाना, और पकाना कुक, कुक, अंत में थर्ड फॉर्म कौन सी है, कुकड, यानी थर्ड फॉर्म अपन लगा देंगे कुकेट, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी क्या वह खाना पका चुकी है, अंत में खाना यानी फूड, फूड यानी खाना, ठीक है, और अंत में अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो हैज सी कुकेड फूड, यानी क्या वह खाना पका चुकी है। तो इस प्रकार कोई भी वाक्य आए, फर्स्ट में क्या आए, तो ये स्ट्रक्चर अपन अपनाएंगे। इसी में दूसरा स्ट्रक्चर, यानी इसी में दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा चलेगा, यानी दूसरा स्ट्रक्चर, यानी किसी वाक्य के बीच में डब्ल्यू एच शब्द आए, यानी क्या, कौन, कैसे, कहाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड आते हैं वाक्य के बीच में, तो अपन को ये स्ट्रक्चर लगाना है कि सबसे पहले आपका जो डब्ल्यू एच शब्द है वो आएगा, फिर उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब अपन को पता है हैज हैव है, ठीक है। इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट लगानी है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आप प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है वो लगाना मत भूलना, डबल एस शब्द, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना भूलना। तो वाक्य बनाते हैं, वह कहाँ जा चुका है, यानी इस प्रकार के वाक्य में आप देखोगे कि कहाँ यानी डब्ल्यू एच शब्द बीच में आ गया है, तो ये फॉर्मेट काम करेगा। तो सबसे पहले अपन को डब्ल्यू एच शब्द लगाने हैं, और डब्ल्यू एच शब्द तो इसमें है कहाँ, डब्ल्यू एच शब्द कौन सा है, कहाँ, यानी इसकी स्पेलिंग क्या होगी, वेहर, वेहर, यानी शुरू में डब्ल्यू एच, डब्ल्यू और एच है ना, जैसे वाट देखोगे ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी वाट किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, जैसे वू देखोगे तो उसमें भी डब्ल्यू एच शब्द लग रहा है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच शब्द लगाएंगे, और इसकी स्पेलिंग क्या है, वेहर, ठीक है, वेहर, ठीक है। इसमें है ना, जो इसके बाद में हमने डब्ल्यू एच शब्द लगा लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
और सब्जेक्ट के आधार पर ही डिसाइड होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो वह है ना जो एक वचन है, तो अपन क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, यहाँ पर हैज लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट वह है और पुल्लिंग है, यानी एक वचन है और पुल्लिंग है वह ही, क्योंकि इसमें है ना जो पुल्लिंग ही है वह कहाँ जा रहा है, तो पुल्लिंग है तो ही, ठीक है, ही हमने लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब कौन सी है, जाना, और जाना का, जाना की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, देखो गो वेंट गोन, तो गोन लगाएंगे अपन, यानी गोन, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। अंत में अपन को ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अपन को ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो अपन को ये लगा देंगे, ठीक है। तो वेयर एज ही गोन, यानी वह कहाँ जा, यानी वह कहाँ जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है, बीच में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो इस स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं, तो उनको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी कोई चीज़ आती है, हार नहीं माननी है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।